हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ना, जो मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी। अभी आपको मैं बॉटल दिखाऊंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसे कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने इसे पहली बार यूज़ किया ना, तभी से मैं इस पर वीडियो बनाना चाह रही थी, बट कुछ रीजंस की वजह से बन नहीं पा रही थी वीडियो। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फियामा अश्वगंधा एंड आलमंड क्रीम बॉडी वॉश की। ये मैंने बहुत ही बड़ी वाली बॉटल ली है, आई थिंक 500 ml की बॉटल है ये। हाँ, 500 ml है ये। और इसका जो प्रिंट प्राइस है वो है 299 rupees, लेकिन मैंने ऑनलाइन इसे कुछ डिस्काउंट के बाद ही लिया था। मैं जितने भी बॉडी वॉश, फेस वॉश या शैम्पूज लेती हूँ ना, मैं बहुत ही इत्मीनान से रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद लेती हूँ। ऐसा लग जाता है ना कि हाँ, इसे लेने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं होगा, तो मैं उसकी बड़ी वाली बॉटल ऑर्डर कर लेती हूँ। तो वही इसके साथ भी हुआ था, और कसम से मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मैं इसकी जितनी तारीफ़ें करूँ वो कम है। फियामा इसके पहले मैं कभी भी इतना यूज़ नहीं करती थी। आई थिंक एक बार मैंने, सिर्फ एक बार फियामा का एक वो जो ग्रीन वाला होता है ना बॉडी वॉश, नाम मुझे याद नहीं है, वो ग्रीन वाला मैंने यूज़ किया है, और वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन इस बॉडी वॉश ने फियामा के लिए मेरी जो दिमाग में एक इमेज बन गई थी ना, वो हटा दी है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो किसी को सूट नहीं करती हैं, तो वो शायद मुझे इसीलिए सूट नहीं किया होगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी इतनी तारीफ कर क्यों रही हूँ। सबसे पहली बात तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रूटी फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ वो फ्लावर्स वाली फ्रेग्रेंस भी नहीं है, कुछ अलग सी है और बहुत ही अच्छी है जैसी भी है। और इसे यूज़ करने के बाद भी ना, काफ़ी देर तक आपको ऐसा फ्रेश फ्रेश सा फील होता रहता है। और इस पर इन्होंने लिखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग केयर विद स्किन कंडीशनर्स, तो मुझे नहीं पता इसमें कौन से स्किन कंडीशनर्स हैं, लेकिन हाँ, बॉडी मॉइस्चराइज तो रहती है। देखो, सर्दियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गर्मियों में भी मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती थी। इसके पहले मैं यूज़ करती थी द बॉडी शॉप का फेस वॉश, वो कोकोनट वाला, उससे मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती थी, लेकिन इससे नहीं होती है। तो आई थिंक कुछ तो इन्होंने मिलाया ही होगा इसमें, कोई कंडीशनर वंडीशनर। और आई थिंक क्वांटिटी के हिसाब से इसका जो प्राइस है ना, वो सही है, 300 rupees MRP। और वैसे भी ये MRP मैं आपको बता रही हूँ, डिस्काउंट इस पर चलता ही रहता है। देखो, जो नॉर्मल बॉडी वॉशेज होते हैं ना, उनसे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस आप हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपकी बॉडी से टैनिंग को हटाएगा और स्किन लाइटनिंग वगैरह करेगा, ऐसा कुछ नहीं करता है ये। बट एज अ नॉर्मल बॉडी वॉश मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको लेना है तो आप जाके इसे ले लेना, और मेरे कहने पर एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और मैं आपको एक बेवकूफ़ाना बात बताऊँ, ये वैसे किसी को करना नहीं चाहिए, बट मैंने किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। इसे लेने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और मुझे इस बॉडी वॉश का कलर जो है ना, ये पीच पीच सा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बट मुझे पता नहीं था कि ये बॉडी वॉश यूज़ करने के बाद भी इतना अच्छा निकलेगा। तो हाँ, ये मैं कभी कभी करती हूँ कि मैं चीज़ों को ना, उनकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगती है, इसलिए भी मैं ले लेती हूँ, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी झोल भी हो जाता है। थोड़ा जागरूक ग्राहक बनना पड़ेगा हमें। एनीवेज गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखते रहना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।